दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जारी किया है एक नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी एक महामारी कोविड-19 फैली हुई है पूरे देश भर में, तो इसी संदर्भ में सभी बच्चों को घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा जा रहा है। ये नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं, और इस नोटिफिकेशन में बात की गई है अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर की। जैसा कि आप जानते हैं इस समय सभी स्कूल कॉलेज बंद है, तो बच्चों को घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखनी है उसके बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की हैं सरकार ने, और ये हैं हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। ये नोटिफिकेशन टीचर्स और पेरेंट्स को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंटेंट की, तो यहाँ पर सिलेबस को वीकली प्लान में कन्वर्ट किया है, 4 वीक्स में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास फर्स्ट के लिए, क्लास सेकेंड के लिए, क्लास थर्ड के लिए और क्लास फोर्थ के लिए जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मेंशन है, और नीचे आप देख सकते हैं आर्ट एजुकेशन के बारे में भी है और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी, और यहाँ पर आपके 2 एनेक्सर है जिसमें पहले में बताया गया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है और दूसरे में बताया गया है कि कैसे स्ट्रेस से डील करना है। दोस्तों इन सभी गाइडलाइंस को टीचर पेरेंट्स और स्कूल प्रिंसिपल्स को जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। इन गाइडलाइंस के अंदर सब्जेक्ट वाइज वीकली लर्निंग आउटकम पर ज्यादा फोकस किया गया है। लर्निंग आउटकम का मतलब है देयर हैज टू बी सम फ्रूटफुल रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टास्क। इसका मतलब है बच्चों के अंदर एक बदलाव जरूर दिखना चाहिए, इसे कहते हैं लर्निंग आउटकम। आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो यहां पर लर्निंग आउटकम मेंशन होगा कि लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है। यहां पर आपको मिल जाएगा रिसोर्स कि उस बच्चे को कहां से पढ़ना है, जो मटेरियल है वो कौन सा यूज करना है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो उसकी एक्टिविटी होने वाली है वो क्या होगी वीक 1 के अंदर। तो इसी तरीके से पूरा सिलेबस जो है वीक वाइज डिवाइड किया गया है, 4 वीक में इसको बांटा गया है। इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारे जरूरी लिंक भी मेंशन है। आप पहला वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं आओ नक्शा पढ़ें, इसका मतलब है अगर स्टूडेंट को मैप के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो वो इस लिंक पर क्लिक करके जानकारी हासिल कर सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन सामग्री का प्रयोग, तो बच्चों को एनकरेज किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करें सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेंशन है एनसीईआरटी की वेबसाइट NROER ई पाठशाला, इस तरीके से कुछ यहाँ पर लिंक भी मेंशन है, आप इन पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मानना है ऐसे वक्त पर माता पिता को टीचर का रोल अदा करना चाहिए सो दैट कि बच्चे घर पर रहकर काफी कुछ चीजें सीख सकें। आप अपने बच्चों को घर पर बैठकर पिक्चर की मदद से काफी कुछ सिखा सकते हैं, जैसे काम करते वक्त बॉडी पॉस्चर कैसा होना चाहिए और शिष्टाचार जैसी बातें आप उनको सिखा सकते हैं। और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर फोकस किया गया है, जैसे वो घर के कंपाउंड में ही जॉगिंग करें, सिंपल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और जनरल वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों से कॉन्टेक्ट बनाने के लिए टीचर्स को बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया का आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आप यहां पर देख सकते हैं कि WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram जैसी बहुत सारी ऐप हैं जिनको टीचर्स यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। Google Classroom हो गया, Skype हो गया, ये तो तमाम बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि ऑनलाइन मिल जाती हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं और यूज करके बच्चों के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो की फॉर्म में भेज सकते हैं। महामारी के संकट में स्ट्रेस होना एक आम बात है, तो इससे डील करने के लिए आपको क्या करना है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, तो इन सभी के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं और अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों का स्ट्रेस दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला है जैसे म्यूजिक, डांस, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, और दूसरा है वो अपनी फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से टीचर्स के लिए भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं, तो टीचर्स इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। इसी तरह से पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मेरे YouTube चैनल को भी नीचे दिए हुए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले सो दैट कि आपको इस तरह की जानकारी फ्यूचर में मिलती रहे।